सिरमौर में चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगने में तेज हो गए हैं। इस बार ये आरोप किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि कुछ स्वतंत्र और जागरूक मतदाता ने भाजपा पर लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा मतदाताओं को रिझाने के लिए साम दाम दंड बेस को भी उपयोग में ला रही है। यहाँ तक कि महिला मंडलों को भी बिना किसी अनुमति के पैसे बांटकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे अडिंग है और वे किसी भी तरह से बिकने वाले नहीं है। जो भी उचित प्रत्याशी होगा उसे अपना कीमती मत प्रदान किया जाएगा। सुरूर सिरमौर के सीमा पर सटे करगानू गांव के लोगों ने आज मीडिया के समक्ष अपना एतराज जताया है और उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद महिला मंडल को पैसे देकर उन्हें खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वे किसी भी हालत में बिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये संदेश इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का प्रयास किया है और कहा है कि वे चाहते हैं कि इस तरह के चुनावों को जिसमें खरीदने का प्रयास किया जा रहा हो उसे तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद सुरेश कश्यप 5 वर्षों बाद उनके गांव का हाल जानने के लिए आए, जिस गांव से विकास अछूता रहा है, सड़कों की हालत खस्ता है और तमाम सुविधाओं से वंचित है। इसके लिए वे अपना मत उसे देंगे जो उनके क्षेत्र के लिए विकास करेगा। जब इस बारे में सांसद वीरेंद्र कश्यप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन पर झूठे आरोप लगा रही है और जो गांववासी उन पर आरोप लगा रहे हैं वे कांग्रेस के ही एजेंट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भी उनके क्षेत्र में झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन वे भी निराधार निकले। ये और कुछ नहीं, कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही है। इसके लिए वे बखलाहट में इस तरह की स्तरहीन राजनीति की जा रही है। इन दिनों मंडी स्थित डाइट संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में चरणबद्ध ढंग से प्री प्राइमरी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण की इस कार्यशाला में 128 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डाइट प्रधानाचार्य बलबीर भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने और गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाइट संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कार्यशालाओं के माध्यम से 498 स्कूलों के अध्यापकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। पठानकोट में हाई अलर्ट के बाद प्रदेश की पंजाब के साथ लगती नूरपुर और इंदौरा की सीमा पर नूरपुर पुलिस भी अलर्ट पर है। इसे लेकर लगातार नूरपुर पुलिस पेट्रोलिंग पर है और हर उस जगह पर कड़ी नजर रखे हुए है जहां संदेह की कोई गुंजाइश है। कई बार पंजाब पुलिस के साथ भी प्रदेश पुलिस संयुक्त पेट्रोलिंग कर चुकी है। नूरपुर पुलिस ने पंजाब के साथ लगते धार और डमटाल के जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया, वहीं उन्होंने स्टोन क्रशरों झुग्गी क्षेत्रों में भी सर्च अभियान किया। गौरतलब है कि कई शहरों के साथ पठानकोट भी आतंकवादी हमलों के निशाने पर है और प्रदेश का नूरपुर इंदौरा क्षेत्र पंजाब के साथ सटा होने के कारण प्रदेश पुलिस भी चौकस है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा की माने तो नूरपुर पुलिस ने सीमावर्ती में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। रात को जगह जगह पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है ताकि किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश न रहे। विकासखंड नूरपुर के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कमनाला के जसूर बाजार में दुकानदारों व अन्य व्यवसायियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है, जिसके लिए खंड स्तर पर देश राज समाज शिक्षा एवं खंड योजना अधिकारी से इस मुद्दे के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत द्वारा पहले भी इन दुकानदारों को जागरूक भी किया गया और नोटिस भी निकाला गया, फिर भी कुछ दुकानदार पुल के नीचे कूड़ा कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। पंचायत द्वारा पुल के पास नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देशराज ने बताया कि अब अगर कोई भी दुकानदार कूड़ा कचरा फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पंचायत अधिनियम के तहत पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12 व 13 की अवहेलना करने पर
अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा व उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। महासचिव शंभू राम जसवाल द्वारा उपस्थित सदस्यों को एजेंडा की जानकारी के साथ मंच संचालन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम बैठक में संघ संस्थापक बीडी शर्मा की धर्मपत्नी मीना शर्मा हाकमचंद निवासी कुसाड़पुर निवासी जड़ोह के असामयिक निधन पर दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में भाग लेने वालों में संघ प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा, संरक्षक साली ग्राम ठाकुर, टौनी देवी प्रधान, जगदीश चंद शर्मा, हमीरपुर खंड प्रधान करमचंद, पुरुषोत्तम शर्मा, कुलवंत चोपड़ा, प्रेस सचिव अनुरोध डोकरा आदि प्रमुख रही। बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेशाध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे पेंशनरों की लंबित मांगों व समस्याओं के बारे में शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। जिला प्रधान द्वारा कहा कि पेंशनरों को पहचान पत्र जारी करवाए जाने की दिशा में प्रयासरत है और 105 पेंशनरों के मामले जिला कोषाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजे जा चुके हैं और आज की बैठक में पहचान पत्र हेतु फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा हमीरपुर खंड पदाधिकारियों से आह्वान किया कि हमीरपुर शहर में सदस्यता का कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाया जाए। उक्त के अतिरिक्त बैठक में कोषाध्यक्ष लेखराम कौशल, प्रेमचंद शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान विचित्र सिंह ठाकुर, उप प्रधान दीप चंद शर्मा, तारा चंद धर्म सिंह नुकाल, हरवंश सिंह कतना, प्रताप सिंह ठाकुर सहित अन्य पेंशनरों ने भाग लिया।